नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़शाला और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पंजाब को अब एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और हम सब ये भी इंतजार कर रहे थे कि कौन होगा नया मुख्यमंत्री पंजाब का। तो वो इंतजार खत्म करते हुए चरणजीत चन्नी ने लोगों की टेंशन को खत्म कर दिया है। जी हाँ, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत चन्नी को चुना गया है, जो कि पंजाब के 17वें सीएम के रूप में आज शपथ लेंगे, जिसके बाद वो पंजाब के सीएम की गद्दी को संभालेंगे। आपको बता दें, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। अब चरणजीत चन्नी को ही क्यों मुख्यमंत्री चुना गया, इसके पीछे का गुना भाग समझते हैं। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर विपक्षी दलों को फिर से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया गया है और उनके सरदर्द को बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सभी पार्टियों की नजर 32% दलित वोटरों पर है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना ये दांव चल दिया है, जहां कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि वो इस बार सभी दलित को अपने खेमे में शामिल कर ले। आपको बता दें, ऐसा पहली बार है कि पंजाब में पहला दलित वर्ग सियासत केंद्र में होगा। अब तक यहां के दोनों प्रमुख सियासी दल शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 18% जट सिखों पर दांव लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार सबकी नजर 32% दलित वोट बैंक पर है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या यह दांव कांग्रेस को वहां के दलित का दिल जीतने में मददगार साबित होगा या फिर नहीं। आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।